तुम अंतर में पर ब्रह्म सदा अवतार सभी तन बसत सदा तुम अंतर में पर ब्रह्म सदा अवतार सभी तन बसत सदा मुझ मात पिता सब तुम ही सगा अब तक झूठों से मैं तो ठगा अब तक झूठों से मैं तो ठगा तुम अंतर में पर ब्रह्म सदा अवतार सभी तन बसत सदा मोहि तुव से कोन अधिक जग में किस विध महिमा गान करूं मोहि तुव से कोन अधिक जग में किस विध महिमा गान करूं गुरुदेव तुम्हारे चरण कमल में श्रद्धा सुमन धरूं हृदय से नमन करूं हृदय से नमन करूं सिजानंद स्वामी महाराज की जय। हमारे आर्टिकल आया है उसमें एक प्रसंग एक सिक्का है बहुत अच्छा है वो खाली पढ़ने के लिए ही हम ये गुरु पूर्णिमा का आर्टिकल पढ़ते हैं खूब ध्यान से सुनना। अवतार पुरुष कहो या प्रभु को अखंड धारी हुई विभूतियों का अवतरण सामान्य जीव के कल्याण हेतु होता है। सामान्य जीव मतलब अपने आप कहा जाता है भगवान खोजने के लिए भगवान पाने के लिए ऋषि मुनिया जंगलों में जाके तप करते हैं करोड़ों से हजारों साल तक हाँ लेकिन वो भगवान के दर्शन होते नहीं हैं या भगवान को पाते नहीं हैं दर्शन हो तो एक आधा सेकंड एक आधा मिनट पर भगवान को अखंड वो रख नहीं पाते। तब भगवान सोचते हैं कि ऐसे तो कल्याण किसका होगा फिर स्वयं धरती के ऊपर आते हैं कि आम जनता भी इससे लाभान्वित हो जाए और केवल एक संबंध से जीव को ब्रह्मरूप करके परब्रह्म के अंदर अपने स्वरूप में जोड़ लेते हैं और ये परंपरा स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर अखंडित रखी कि सहजान स्वामी स्वामीनारायण भगवान अवतरित हुए हाँ उसके साथ गुणायतान स्वामी को लाए अक्षय ब्रह्म का वो अवतार बोला जाता है इनके द्वारा ये परंपरा अखंडित रही। आज भी पप्पा जी काका जी स्वामी जी के रूप में हमने इनको देखे हैं बस इनका एक संबंध कहते हैं ना भगवान की मूर्ति पारसमणि जैसी है पारसमणि लोहे को टच करें लोहा भी पारस बन जाता है बस ऐसा ये संबंध हम बोलते हैं लेकिन ये मानने बड़ा कठिन हो जाता है कि ऐसे थोड़े होते हैं। चलो पनीर लिखिए इसीलिए तो भगवान धरती के ऊपर आते हैं गुणायतान स्वामी ने इसको बहुत अच्छी तरह समझाया है कि खेती करते हैं तो कुएं में से पानी निकालते हैं लेकिन ऐसे पानी कहाँ तक पहुँचेगा कितनी फसल हो सकती है जब आकाश में से बारिश ही गिरे तो सारी धरती पे फसल आ जाती है। इसी तरह भगवान सोचते हैं मैं ही नीचे चला जाऊँ जो जो कांटेक्ट के अंदर आवे और इससे भी ज़्यादा इन्होंने ये रखा कि ऐसे संतों की परंपरा एक अखंडित रखी गुणातीत भाव को पाए हुए कह दो ब्रह्मस्वरूप संतों को पाए हुए कह दो अवतार पुरुष कहो या प्रभु को अखंड धारी हुई विभूतियों का अवतरण सामान्य जीव के कल्याण हेतु होता है। अतः 31 जुलाई गुरु पूर्णिमा
21 अगस्त रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व, तो प्रकट गुरु के संबंध से सच्ची पवित्रता पाकर दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर हुई चेतनाओं के लिए शाश्वत रक्षा प्राप्त करने का। इसमें एक सेंटेंस लिखा है, सच्ची पवित्रता। कोई भी व्यक्ति, शक्ति, पदार्थ या प्रसंग, ग्रह, पनौति, इन पे अपने पे प्रभाव न पड़े, वो सच्ची पवित्रता है। हाँ, तो ऐसी सच्ची पवित्रता कि भाई मेरा जब कुछ, जो भी कुछ करना होगा मेरे प्रभु करेंगे, बाकी किसी की हुकूमत, काल, कर्म, माया, ग्रह, पनौती, साढ़ा साथी कहते हैं ना, वो अपने पे हावी नहीं हो सकती। हाँ, देखो हम सब यूं भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा कह देवे कि भाई आपके ऊपर तो शनि महाराज को पाए मन है, तो तुरंत कोई उपाय ढूंढने चले जाएंगे। नहीं भाई, हमारा तो जो करना होगा काका जी करेंगे, हम माँ पूजा करते हैं बस। प्रगट गुरु के संबंध से सच्ची पवित्रता पाकर दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर हुई चेतनाओं के लिए शाश्वत रक्षा प्राप्त करने का अनुपम सुयोग है। सच जीवन में प्रभुधारक संतों का योग होना ही जीवन की धन्यता है। धन्यता है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे जीवन में काका जी आ गए, बहुत बड़ी घटना बन गई। वरना एक ऑर्डिनरी पुअर बूर की तरह जीवन गुजार लेते हैं। जीवन में प्रभुधारक संतों का योग होना ही जीवन की धन्यता है, क्योंकि बाह्य एवं आंतरिक संसार के चक्रव्यूह में से वे ही हमें निकालकर मुक्ति हेतु प्रभु में जोड़ते हैं। हमें तो बस वे जो कहे उसे तर्क वितर्क किए बिना, मन बुद्धि लगाए बिना सहर्ष स्वीकार करके। आप कहोगे तो फिर क्या अंधश्रद्धा रखनी है? नहीं, काका जी हमेशा कहते थे गुरु करने से पहले उसे नाइट्रिक एसिड में डाल के देखो। इसलिए अरे गहरे अंधा विश्वास नहीं रखना है। पर ऐसे गुरु को देख करके, और लेकिन वहाँ फिर मन बुद्धि सब बंद, उसके बाद अटूट श्रद्धा। और अपने यहाँ तो इतनी सेफ्टी है। मैं कई बार कह चुका हूँ देखो कि इस मंदिर में आना आसान है ही नहीं। जो पूर्व का संबंध होगा वो ही महाराज उसको भेज देंगे, वरना कोई ऐसे आ ही नहीं सकते। जो आया है वो जरूर संबंधना पूर्व का कोई आया है, मतलब आप देखोगे आप में जितने भी बैठे हो कोई समझदारी से नहीं आया है कि चलो ऐसे संत लोग हैं, काका जी हैं, पप्पा जी हैं, पहुँचे हुए हैं, हम अपने कल्याण के लिए, इन्होंने खींच लिया हुआ है। एक्सीडेंटली लगेगा, एक्सीडेंटली, जैसे ये विनोद है। मैं तो ये, मैंने पहले दिन ही जब आए मैंने कहा था कि इसकी माँ इसको ये मंदिर से जोड़ के गई। सीधी सादी बात है। और मैं कहूँ ऐसा नहीं, हर एक को ये लगता भी है, उसको खुद को भी लगता है। वो मुझे परसों तरसों ही बता रहे थे कि वो कभी कोई माँ पूजा, कोई पूजा पूजा में बैठे नहीं है के, आज बड़े चुपचाप बैठ गए हैं। मुझे लगता है लेकिन आपकी वाइफ की आज्ञा से आए होंगे, नहीं ना? अच्छा, चलो। हमें तो बस वे जो कहे उसे तर्क वितर्क किए बिना, मन बुद्धि लगाए बिना सहर्ष स्वीकार करके केवल उसका अनुसरण करना है। सो मन, कर्म और वचन से इनको फॉलो करना है, वो जो कहे वो करा करना है। सो मन, कर्म और वचन से उनका होकर उनके बल से उनकी मर्जी अनुरूप ही उन्हें राजी करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे तो वे हर प्रकार से रक्षा करते हुए तन, मन, धन व आत्मा से हमें सुखी कर देंगे। ये स्वामीनारायण का वरदान है। भुक्ति, मैं कई बार कह चुका हूँ, भुक्ति, मुक्ति और ब्राह्मी स्थिति, ऐसा नहीं हाँ गारंटी दे दी कल्याण हो जाएगा तो नहीं।
इस लोक के अंदर भी भौतिक रूप से हम भिखमंगे नहीं होने चाहिए। मैं नहीं कहता तुम टाटा और बिरला बन जाओ, बनो, महाराज कृपा करे, तुम लायक हो, करेंगे और अच्छी बात है। हाँ, पर रोटी कपड़ा और मकान की गारंटी तो स्वामीनारायण भगवान ने दी है, मुक्ति और स्थिति, ब्राह्मी स्थिति। हाँ, ये तीनों चीज़ें यहाँ ऐसे संत के संबंध से आसान बन जाती है। परम पूज्य गुरु जी भजन की महत्ता बताते और हुए, इसका एक ही तरीका है, रेगुलर भजन करा करें। सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद 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 किया 10-15 मिनट। हमने मंदिर में नहीं प्रोग्राम बनाया है कि डेली सुबह 20 मिनट धुन पैरी लगा देते हैं और फिर सारे काम की प्रवृत्ति। परम पूज्य गुरुजी भजन की महत्ता बताते हुए हमेशा कहते हैं, भोजन शरीर के लिए जरूरी है, ऐसे ही भजन आत्मा की खुराक है, अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य है, नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे। हाँ, और फिर डरते रहोगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर कई बार ऐसे भी विचार, भाई हमारे कर्म ही ऐसे है तो भगवान क्या करेंगे। जो भगवान तुम्हारे कर्म को टाल नहीं सकते हैं, वो भगवान को करना क्या है फिर। हाँ, इसी प्रकार परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के स्वमुख से अक्सर सुना है, मानव जीवन में जितनी जरूरत ऑक्सीजन की है, उससे कई गुनी अनिवार्यता भगवान जरूरत लिखी, यहाँ अनिवार्य, इंडिस्पेंसिबल, उसके बिना चलेगा ही नहीं संत समागम। हाँ, भजन, मानव जीवन में जितनी जरूरत ऑक्सीजन की है, उससे कई गुनी अनिवार्यता भगवान के सच्चे संत की है। हाल ही में सच्चे संत हमेशा एक ही तरीका बताएगा, या जिस भगत को ऐसे सच्चे संत का संबंध होगा, कोई भी घटना बनेगी पहले भजन करो। हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा है हमेशा कि हम इनको एक टिप्पणी की तरह समझते हैं कि अपने सारे उपाय फेल हो जावे तब याद करें भाई स्टिपनी है। हाँ, गाड़ी पंचर हो गई है। हाँ, इस तरह अपने गाड़ी सारी पंचर हो जावे किसी तरह चलने, तो क्या भाई भगवान को याद करो। हाँ, उससे अच्छा पहले ही कर लिया होता तो, वो नहीं करते। हाँ, हाल ही में परम पूज्य भरत भाई ने परम पूज्य गुरुजी को निम्न प्रसंग भेजा था। बोलो, ये प्रसंग खूब ध्यान से सुनना, बहुत मुझे इतना पसंद आया है कि मैं इसको कब पत्रिका में डाल दूं, इसलिए बेबस हो गया। वह सबको सीखने लायक है। दो चीज दिखाती है कि सिखों ने इस देश के लिए कैसी कुर्बानी दी है, और ऐसे सच्चे गुरु के सिरे छाया में आए हैं वो, तो देखो उपाय भी कैसा कामयाब बनता है। पहला उपाय वो करा इन्होंने। हाँ, और देखो इसकी असर एक विदेशी को हुई। हाँ, कई बार कहीं कहते हैं ना, आप कहोगे भाई आप हमारे मंदिर चलो, हाँ हमारा मंदिर बहुत अच्छा है, हमारे काका जी हैं वहाँ, ये हैं वो हैं, ऐसे कोई नहीं आएगा। लेकिन तुम मंदिर आते हो और तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव देखे, हाँ तो समझे जरूर भाई इन्होंने कुछ पाया हुआ है। पहले तो कैसे भुने हुए जैसे रहते थे, जब भी जाओ तब चिल्लाते थे, और अब कुछ पता नहीं एकदम शांत हो गए। शांत हो गए का मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ नहीं समझना, यहाँ की लैंग्वेज में शांत हो गए ऐसा नहीं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बार सुबह सुबह फोन आया कि गुरुजी पापा शांत हो गए, मुझे वो लैंग्वेज ही पता नहीं, मैं को चलो अच्छा हुआ। हाँ, मैं समझा उसका पापा हमेशा एंग्री रहता था, तो नेचर से आप धीरे धीरे शांत हो गए। वो भी भला आदमी था, समझ गया गुरुजी आप समझे नहीं, पापा गए, मैं को सॉरी और क्या बोले। हाँ चलो। हाल ही में परम पूज्य भरत भाई ने
परम पूज्य गुरु जी को निम्न प्रसंग भेजा था, वह दर्शाता है कि किसी मुमुक्षु का भले ही गुरु से संपर्क भी न हुआ हो, ऐसा होता ना, चलो चलो बात करने, बंदर पहुँचे, हाँ दीदी से बात करें, अरे भाई तुम दीदी को मानते क्या हो, भगवान रखी हुई है तो घर में बैठ के भी भजन करो, वो आवाज़ जल्दी पहुँचेगी। अब साइंस ने नहीं तरक्की करी, कोई भी लेटर भेजना है ईमेल से भेजो, इमीडिएट पहुँच जाएंगे। और रूबरू देने जाओ तो वो जाएगा, रास्ते में कितना टाइम होगा ये, उससे पहले तो वो लेटर पहुँच जाएगा। इसी तरह ये भजन करना वो भगवान को ईमेल प्रार्थना है। किसी मुमुक्षु का भले ही गुरु से संपर्क भी न हुआ हो, लेकिन दिव्यता की ओर जाने के लिए यदि उसकी चेतना तत्पर हो, तो सच्चे संत स्वयं ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रसंग द्वारा उसे पकड़ लेते हैं। वे स्थान भेद, काल भेद, जाति भेद या व्यक्ति भेद से बाधित नहीं होते हैं। हृदय की पुकार सुनकर उसे प्रेरित करके उसकी रक्षा करते हैं, दिव्यता का अनुभव कराते हैं। सन 1964 में, यहाँ ये बनी हुई घटना है, साल के साथ लिखी है। हाँ, सन 1964 में जब इंग्लैंड से गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ शस्त्र भारत भेजे गए, तब पूरे सिख लिबास में एक अंग्रेज उन शस्त्रों के साथ आया। उत्सुकतावश किसी ने उससे पूछा, अंग्रेज नजर आ जाता था कि कोई रप्पन है, पर ये सिक्का ड्रेस के अंदर कैसे आया है? तो क्यूरियोसिटी से पूछा कि भाई आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? इन द ऑनर के भाई ये गुरु गोविंद सिंह के शस्त्र लेके आया हूँ, इसलिए लाए पहने हैं, बात क्या है? हाँ, तो उसने समझाया। फिर किसी ने उससे पूछा, सिख धर्म अपनाने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? उसको लगा ये अंग्रेज को पूरा सिख किसने बना दिया। क्या इन शस्त्रों के प्रति सम्मान या अन्य कोई कारण है? दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में उसने जो खुलासा किया, वह सभी के लिए अत्यंत दिलचस्प व प्रेरणादायी है। मेरा नाम ए डेविड था। उसका ओरिजिनल नाम था ए डेविड। द्वितीय विश्व युद्ध में मैं सिख रेजिमेंट का कमांडर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना से युद्ध करते हुए, जर्मन सेना मतलब हिटलर के साथ युद्ध करते वो अंग्रेज लोग घेरे गए। जर्मन सेना से युद्ध करते हुए मेरी रेजिमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मेरी बटालियन के अधिकतर जवान मारे गए थे, केवल थोड़े ही शेष थे और वे भी जर्मन सेना से घिरे हुए थे। क्योंकि हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई लगता ही नहीं था कि बचे, मारे जाएंगे क्या। सो मैंने बटालियन के सूबेदार मेजर को बुलाकर उसे हमारे जोखिमी रेजिमेंट सिख थी, तो जो बटालियन के सूबेदार को बुलाया वो सिख था, उसको बुला के इन्होंने बात करी डेविड ने। मैंने बटालियन के सूबेदार मेजर को बुलाकर उसे हमारे जोखिमी हालात से वाकिफ करा कि भाई हम बचने वाले तो है ही नहीं, इससे अच्छा है तुम एक 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 करके किसी तरह भाग निकलो, वैसे भी हारने वाले हैं। मृत्यु हमारे सामने थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके पास प्रस्ताव रखा कि सभी जवान अलग अलग होते हुए भाग जाएं और अपनी अपनी जान बचा ले। सूबेदार मेजर ने कहा, यूं रणभूमि मैदाने जंग से भागकर अपने सिर पर बदनामी का दाग सिख रेजिमेंट नहीं लगा सकती। देखो ये सिखों की एक शान है। लेकिन जैसे ऐसा ही जो भगवान बदले निकले हो, इनको भी ये तो पक्का ही होना चाहिए कि एक बार जो निकल चुके अब कहीं भाग के
इधर उधर हो नहीं जाना है। हाँ, लेकिन जैसे कि ब्रह्म स्वरूप काका जी कहते, हमेशा प्रभु के नाम का नमक डालकर, देखो उसने सच्चे गुरु का सेवन करा होगा तो उसको ये विचार आया कि हम पहले ऐसे करें, ग्रंथ पाठ कर ले, उसमें से अपने को जो प्रेरणा मिलेगी वो करेंगे। हाँ, लेकिन जैसे कि ब्रह्म स्वरूप काका जी कहते, हमेशा प्रभु के नाम का नमक डालकर हर एक छोटे बड़े क्रियायोग करना, कोई भी प्रॉब्लम आवे सबसे पहला ये काम करो। हाँ, देखो खाना कितना ही अच्छा बना होगा, हाँ, अंदर केसर डाला हो, बादाम डाली हो, पिस्ते डाले हो, सब कुछ होगा, लेकिन खाने में नमक नहीं होगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, उसने सुझाव दिया कि हम अखंड पाठ करें और फिर सच्चे पातशाह के हुक्म के मुताबिक कदम उठाएं। सो जरूरी सुरक्षा के घेरे में बिना किसी विघ्न के अखंड पाठ पूरा किया गया। अरदास करने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब खोला गया और ग्रंथी, आप क्या ग्रंथ साहिब खोलो, अपने लिए जो भी जरूरी होगा अंदर से निकलेगा, मतलब कितनी इसको विश्वास होगा। अरदास करने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब खोला गया और ग्रंथी एवं सूबेदार ने उसमें से पढ़कर सच्चे पातशाह का हुक्म मुझे समझाया। गुरु का हुक्म था कि हम युद्ध क्षेत्र छोड़कर न जाएं, न जाए, फतेह हमारी होगी। ग्रंथ साहब में से इसका मर्म निकला, फतेह तुम्हारी होनी है, छोड़ के नहीं जाना। पर इस दौरान बीच में एक घटना ऐसी बन गई जो वो डेविड सोच ही रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हाँ, गुरु का हुक्म था कि हम युद्ध क्षेत्र छोड़कर न जाएं, फतेह हमारी होगी। तब अरदास के दौरान मेरे साथ जो एक चमत्कार हुआ था वह मैंने उन्हें बताया। हाँ, वो डेविड ने सूबेदार को बताया कि भाई ये तुम लोग कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ ये क्या बना वो तो समझाओ। हाँ, फिर उसने अपने को जो अंदर भीतर में विचार स्फुरा या जो एक दर्शन हुआ वो बताया। हाँ, अरदास में आंखें बंद किए मैं जब खड़ा था। हाँ, मैंने आप लोग अरदास कर रहे थे, हमें तो कुछ मुझे समझ आ नहीं रही थी, मैं आंख बंद करके मैं खड़ा था। हाँ, अरदास में आंखें बंद किए मैं जब खड़ा था, मैंने देखा कि घोड़े पर सवार शस्त्रों से सुसज्ज एक सिख मेरे समक्ष आया और उसने मुझे आदेश दिया, मेरे पीछे आओ। जिस ओर शस्त्रों से सज्ज वह सिख गया था, मैंने वह दिशा बताई और उस रणवीर की पहचान पूछी। पूछा कि भाई ये कौन होगा, ऐसा ऐसा ड्रेस पहना हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ, एक सिख था ऐसा लगता है, और इस ढंग का था। उसने मुझे दिशा बताया कि मेरे पीछे पीछे वहाँ आओ। हाँ, क्योंकि वो दिशा का सूचन बताया। मेरे द्वारा दिए गए विवरण से सूबेदार मेजर ने कहा, यह गुरु गोविंद सिंह हो सकते हैं। हाँ, श्री गुरु गोविंद सिंह के सिवा और कोई हो नहीं सकता। हाँ, अतः वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के नारे के साथ हम तैयार हो गए और गुरु द्वारा सूचित दिशा में हल्ला बोल दिया। थोड़े ही समय में हमने जर्मन सेना का चक्रव्यूह तोड़ दिया और अपने आप को बचा लिया। तत्पश्चात हमने वायरलेस द्वारा ब्रिगेड कमांडर से संपर्क साधा और अतिरिक्त सहायता की मांग की, एडिशनल फोर्स मंगाया। युद्ध समाप्त होने के बाद मैंने उस प्रसंग और उस दिव्य विभूति के विषय में गौर किया जिन्होंने मुझे अपने पीछे आने का आदेश देकर, अरे हो अपने में और उसमें ये फर्क पड़ गया। हाँ, काका जी के द्वारा, पप्पा जी के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा हमें भी कितने ऐसे अनुभव तो हुए ही होंगे। ऐन मौके पे इन्होंने हमें गाइड करा है, ऐन मौके पे इन्होंने हमारी रक्षा करी है, सुझाव दिया हुआ है। हाँ, लेकिन हम अपना मन, बुद्धि,
अपना अहम छोड़ नहीं सकते। मैंने उस प्रसंग और उस दिव्य विभूति के विषय में गौर किया जिन्होंने मुझे अपने पीछे आने का आदेश देकर शत्रु के अभेद्य घेरे की जानलेवा परिस्थिति से हमारे प्राणों की रक्षा की थी। और सोचा बची हुई जिंदगी हम इनके ही होके रहे। हाँ। और मैंने मन में ठान लिया कि अब मैं अपनी बाकी पूरी जिंदगी उन्हीं का अनुसरण करूँगा। इसी हेतु सेना से इस्तीफा देकर अपनी बेटी को साथ लेकर मैंने खालसा विधि के अनुसार सिख धर्म अपना लिया। अब मेरा नाम सरदार देवेंद्र सिंह और मेरी देवेंद्र सिंह उसमें से सरदार देवेंद्र सिंह बन गया। उसकी लड़की का नाम रख दिया सुरजीत कौर। अब मेरा नाम सरदार देवेंद्र सिंह और मेरी बेटी का नाम सुरजीत कौर है। यह गुरु गोविंद सिंह जी की मेहर है जिन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। उपरोक्त प्रसंग खूब मननीय है, इसलिए है कि सरदार देवेंद्र सिंह जो कि मूलतः एक अंग्रेज थे, उन्होंने ऐसे एक अनुभव से सिख धर्म अपनाकर गुरु पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया, गुरु की अस्मिता को जीवन बना लिया। हमारे प्रगट प्रभु खुद गर्जू बनकर नित अनुभव कराते हैं। इसको तो ये एक ही अनुभव ऐसा हुआ। अपने यहाँ तो काका जी नहीं बोलते, देर इज बी सीरीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, लेकिन तब भी हम अपने कहते हैं ढांचे में से बाहर आने तैयार ही नहीं रहते। हमारे प्रगट प्रभु खुद गर्जू बनकर नित अनुभव कराते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, मान्यताएं, महत्वाकांक्षाएं गुरु से अधिक है जिसके कारण गुरु भी है लेकिन अपना इज्म जरा भारी पड़ रहा है उसका। जिसके कारण हम सिर्फ उनकी कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाते और भव्य प्राप्ति की धन्यता का एहसास नहीं कर पाते। सो गुरु पूर्णिमा एवं प्रभु के साथ के अटूट बंधन के प्रतीक रूप रक्षाबंधन के पर्व पर ब्रह्मस्वरूप काकाजी महाराज द्वारा की गई निम्न ज्ञान गोष्ठी की गहराई समझकर भगवान स्वामीनारायण एवं सभी गुणातीत स्वरूपों के श्री चरणों में अंतर से प्रार्थना करें कि गुरु का साया हमारे सिर पर सदैव बना रहे और हम अपनापन स्व का भाव छोड़कर उन्हें अंतर से प्रसन्न कर लें। अभी इसमें बात काका जी की जो कथावार्ता है वो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो बातें करी है वो शास्त्रों में कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं ना शास्त्रों से परे का ये ज्ञान है। आपको समझ आवे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पढ़ो। शास्त्रोक्त नवदा भक्ति की अपेक्षा प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़कर है। देखो शास्त्रों में नवदा भक्ति बताई अर्चनम पाद सेवनम वगैरह वगैरह। हाँ उससे गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति अधिक है। वो कोई टीका टुका करती नहीं थी। हाँ नहा धो के कृष्ण का पूजन करना ऐसा कुछ नहीं था, प्रेम में खींची गई थी बराबर वो प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन वो देह से शुद्ध होके पवित्र होके पूजा पाठ चंदन ये वो रोज मंदिर आना करना इससे भी वो ज़्यादा अधिक है। उससे भी अधिक इससे अधिक पराभक्ति है। पराभक्ति भक्तों की भक्ति, कृष्ण की भक्ति नहीं, पराभक्ति मतलब भक्तों की भक्ति जो कि जीते जी ही परम पद का अधिकारी बनाती है। परंतु गुणातीत ज्ञान में ब्रह्म स्वरूप गुरुवर्य योगी जी महाराज ने इससे भी अधिक एक कदम आगे गए। भक्तों की भक्ति तो करते हो और नहीं करते ऐसा नहीं, पर जब हम खुद ऐसी कठिन परिस्थिति में बैठे हो और किसी भक्तों के लिए कुछ काम करना हो वो करोगे प्रारब्ध प्रकृति फट टल जाएगी। हाँ
ये काका जी ने जो ज्ञान दिया है अपने जीवन में अप्लाई करके दिया हुआ है। हाँ, परंतु गुणातीत ज्ञान में ब्रह्म स्वरूप गुरुवर्य योगी जी महाराज ने अनंत साधनों के फलस्वरूप एक और अद्वितीय अनोखे व सर्वोपरि साधन के रूप में उच्चतम सिद्ध भक्ति का स्वरूप सभी के लिए आसान करके बताया है। और इसको बताया कि वो भक्ति सिद्ध भक्ति है, करो इमीडिएटली तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इससे भगवान ही हमारा सर्वस्व बन जाते हैं, और हमारे बिना कहे ही वे हमें प्रेम करते हैं, प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। हाँ, हमारी परवरिश करते हैं, हमारी हर प्रकार की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं, और हमें हमारी साध्य मूर्ति प्रकट स्वरूप की मर्जी के मुताबिक ही जीवन जीना आ जाता है। इससे दूसरा फायदा ये होता है कि भक्तों के अंदर ऐसे रस बस हो जाएंगे, हाँ, अपना छोड़ करके भक्तों की सेवा में लग जाएंगे, तो भगवान की मर्जी के मुताबिक जीने की जो हम कोशिश करते रहते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक होता जाएगा। हाँ, साधन है प्रकट स्वरूप और उनके साधर्म्य को पाई हुई विभूति को दिव्य मानकर महिमा समझकर गर्जू बनकर की गई कसनी की भक्ति। कसनी की भक्ति, भीड़ा भक्ति जिसको गुजराती में कहते हैं। हाँ, यहाँ जीव से सटी मूल वृत्तियाँ उभर कर भली भांति बाहर निकल आती हैं। जीव ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म के स्वरूप में स्वामी सेवक भाव से जुड़कर जीते जी ही ज्ञान का साक्षात्कार सिद्ध कर सकता है। वचनामृत मध्य 7 और 63 एवं सारंगपुर 9 में भी भगवान स्वामीनारायण ने स्पष्ट रूप से भारपूर्वक कहा है, अति सच्चे भाव से या अति शुद्ध भाव से सत्संग करने पर जीव सत्काल, यानी ऐसे सत्पुरुष के साथ जुड़ जाने पर, मंदिर आना जाना करना, आरती अटेंड करनी, ठीक है, भक्ति है, उसको सत्संग नहीं। सत्संग यानी सत्पुरुष के साथ ऐसा संबंध। हाँ, सत्संग करने पर जीव तत्काल बल प्राप्त करके, तत्काल बल, हाँ, जैसे इंजेक्शन दो एकदम तत्काल खड़ा हो जाता है। हाँ, जीव तत्काल बल प्राप्त करके जीते जी ही ब्रह्म रूप होता है। प्रकट स्वरूप के वचन से कसनी सहकर असाधारण सेवा करने पर, यह एक बड़ी टेक्निकल बात करिए, कसनी तो हर कोई सहता है, मार नहीं सहते हम, सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं तो उसकी कसनी भी सहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे सच्चे संत के वचन से अपने आप भी नहीं, हाँ, तुम्हें जोड़ दिया कि भाई इसको जरा हेल्पफुल हो जाओ, अरे सर अब स्वामी हमारे यहाँ ही मुसीबत है, मैं वहाँ कहाँ हेल्प करने जाऊँ, वो स्वामी कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, पर वो कर लोगे संत के वचन से तो तुम्हारा काम जो नहीं होना है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, हमें हमारी साध्य मूर्ति प्रकट स्वरूप की मर्जी के मुताबिक ही जीवन जीना आ जाता है। साधन है प्रकट स्वरूप और उनके साधर्म्य को पाई हुई विभूति को दिव्य मानकर, साधर्म्य का मतलब उनकी तद्वत भाव को पाए हुए, हाँ, दिव्य मानकर महिमा समझकर गर्जू बनकर की गई कसनी की भक्ति। यहाँ जीव से सटी मूल वृत्तियाँ उभर कर भली भांति बाहर निकल आती है। जीव ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म के स्वरूप में स्वामी सेवक भाव से जुड़कर जीते जी ही ज्ञान का साक्षात्कार सिद्ध कर सकता है। वचनामृत मध्य 7 और 63 एवं सारंगपुर 9 में भी भगवान स्वामीनारायण ने स्पष्ट रूप से भारपूर्वक कहा है, अति सच्चे भाव से या अति शुद्ध भाव से सत्संग करने पर जीव तत्काल बल प्राप्त करके जीते जी ही ब्रह्म रूप होता है। प्रकट स्वरूप के वचन से कसनी सहकर असाधारण सेवा करने पर केवल दिव्य भाव रखते हुए सहने का बल मिलता है
एवं बड़े पुरुष के अंतर की सैद्धांतिक प्रसन्नता मिलती है। गुरु हरि योगी जी महाराज ने बस चलो अभी